हेलो मित्रों, जय माता दी। मित्रों, देवों के देव महादेव की कृपा से आप सबों को बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे मिथुन राशि वाले जातक के लिए किस प्रकार से ये दिन प्रभावित होने वाली हैं, या इस दिन में 23 सितंबर के दिन आपके कार्य क्षेत्र में आपको किस प्रकार से सफलता आपके हाथ में आएंगे, आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा घर परिवार गाँव समाज और अपने करियर में किस प्रकार से प्रभाव डालेंगे जिससे आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होंगे, अपने व्यापार व्यवसाय और नौकरी पेशा जुड़े जातकों के लिए किस प्रकार से प्रभावित होंगे जो आपको उच्च लक्ष्यों को प्राप्ति करवाएंगे। तो मित्रों, आप लोगों के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को लगातार देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार से रोजाना राशि फल प्राप्त हो सके और आने वाले दिनों को और भी ज्यादा लाभकारी और शुभ साबित कर सके। तो मित्रों, आप लोगों के लिए ये वीडियो काफी इंपोर्टेंट है। माता श्री लक्ष्मी जी और देवों के देव महादेव की कृपा से आपके राशि में जो बृजवान रहेंगे आपके लिए बेहतर तरीके से आपके साथ रहेंगे और आपको अच्छी मनोकामनाएं की पूर्ति करेंगे और किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं परेशान करेंगे। आज के दिन आपके लिए किस प्रकार से रहेंगे, जिससे क्या करने होंगे आज के दिन और अपने करियर को सुधारने के लिए क्या करने होंगे और अपने शुभ अंक और शुभ रंग को अवश्य देखिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आपके राशि में क्या प्रभावित होंगे जिससे आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा और करियर और लव लाइफ को अच्छे बनाने में मदद काफी मददगार साबित होंगे। और आज जो रहेगा, आज आप किसी रुके हुए काम को पूर्ण रूप से संपन्न करने में सफल भी रहेंगे। बेहतरी के लिए आज कुछ सकारात्मक बदलाव लाने का सही विचार करेंगे। आपके विनम्र स्वभाव की वजह से समाज व संबंधियों से संबंधियों में उचित स्थान बना रहेगा। किसी नजदीकी व्यक्ति से अचानक ही किसी मुद्दे पर वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है, शांतिपूर्ण ढंग से मामला सुलझाइए। आप अपने गतिविधियों तथा योजनाओं के बारे में किसी से चर्चा न करें। आज आप अपने कार्य क्षेत्र में अपनी गतिविधियों में और अधिक सुधार लाने के प्रयत्न करेंगे, परंतु डील करते समय बहुत ही अधिक चौकन्ना रहने की काफी आवश्यकताएं होंगी। थोड़ी सी असावधानी या गलती का बढ़िया बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। नौकरी में आपको तरक्की मिलने की काफी उम्मीदें हैं। घर का वातावरण खुशनुमा बना रहेगा। जीवन साथी के साथ संबंध मधुरतापूर्ण रहेंगे। अपनी व्यस्त दिनचर्या को संयमित रखें। बदलते मौसम में सकारात्मक प्रभाव का असर आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ सकते हैं, जिससे आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आज के दिन आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा को दिलाने में मदद करेंगे देवों के देव महादेव, जिससे आपके लिए बेहतर और शुभ साबित होंगे और आपके परिवार में खुशियों की कमी कभी नहीं आएंगी और किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको परेशान नहीं करेंगे। आपकी योग्यता और क्षमता लोगों के सामने से उनके दिल में आपके प्रति विशेष सम्मान भी रहेंगे। किसी जरूरतमंद मित्र की मदद करने से अधिकतर शांति प्राप्ति होंगे। कुछ समय बाद परिवार के साथ हास परिहास तथा मनोरंजन संबंधित कार्यों में भी व्यतीत होगा। वाहन या कोई भी मशीनरी संबंधित उपकरण बहुत ही ध्यान पूर्वक इस्तेमाल करें। किसी रिश्तेदार से शांतिपूर्वक और संबंधित कोई अप्रिय या शुभ समाचार मिल सकते हैं। खर्चों की अधिकता पर अंकुश लगाकर रखना अवश्य होंगे। गुरु या गुरुतुल्य व्यक्ति से विशेष आशीर्वाद लें, आपके लिए बेहतर साबित होंगे। कार्य क्षेत्र में अपने प्रतिनिधियों की गतिविधियों का नजरअंदाज न करें, उसे आप परखें। वह लोग आपकी कार्य प्रणाली की नकल कर सकते हैं। किसी उच्च वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग का राजकीय का काम पूर्ण होंगे। कहीं से रुका हुआ धन और या उधार दिया हुआ पैसा भी आपको प्राप्त होंगे। अधिक व्यवस्था के बावजूद घर परिवार का समय देना पारिवारिक संबंधों को और भी अधिक मजबूत करेगा तथा घर का वातावरण खुशनुमा बना रहेगा। खांसी जुखाम जैसी दिक्कतें रह सकती हैं या आयुर्वेदिक जैसी चीजों का अधिक से अधिक सेवन करें, जिससे आपके लिए शुभ साबित हो सकेंगे। आपको बहुत ही अच्छे अनुभव होंगे। दो धूप की अधिकता तो रहेगी, परंतु कार्य की सफलता आपकी थकान को दूर कर सकती है। समय
की चाल आपके पक्ष में है। अनुभवी लोगों के साथ मिलेगा। घर में किसी नजदीकी रिश्तेदारों या मित्र के आने से चहल पहल और खुशनुमा वातावरण बना रहेगा। अधिकतर विद्यार्थी आलस की वजह से पढ़ाई में पिछड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार का यात्रा करने से परहेज करें, क्योंकि किसी भी प्रकार का फायदा ना होने से स्थिति लग रही है। संतान की परेशानियों में आपका सहयोग उत्तम बना रहेगा। व्यवसाय में बहुत अधिक कार्य तथा किसी नई जिम्मेदारी अधिकता रहेगी। घर परिवार के उलझनों से कुछ हटाकर अपने व्यवसाय पर ध्यान दें। नौकरी पेशा व्यक्तियों अपने लक्ष्यों को पूर्ण रूप से करने में समर्थ रहेंगे। स्थान परिवर्तन संबंधी समाचार भी प्राप्त हो सकते हैं। जीवन साथी का सहयोग परिवार के वातावरण को शांतिपूर्ण तथा अनुशांतित बनाकर रखने वाली है। किसी मांगलिक कार्य संबंधित योजना भी बन सकती है। स्वास्थ्य ठीक ठाक रहेगा। माइग्रेन व सिर दर्द जैसी दिक्कतें से आपको बचने में संतुलित आहार ले होंगे, जिससे आपके लिए काफी मददगार और शारीरिक को व्यायाम देने के लिए अच्छा साबित होंगे। आपको बहुत ही अच्छे से स्वास्थ्य के ध्यान रखने में आपकी भलाई रहेगी, क्योंकि आप किसी भी कार्य को करेंगे तो आप शरीर के माध्यम से ही कर पाएंगे। आपको अच्छे पारिवारिक नौकरी व्यवसाय में अच्छे परिवर्तन होंगे। आर्थिक स्थिति आज के दिन बनी रहेगी। आपकी पारिवारिक स्थिति जो रहेगी अच्छा से शांतिपूर्वक बीतेंगे। आपके लिए बहुत उम्मीद से ज्यादा ही अच्छे रहेंगे। आपकी सेहत में बहुत ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति होंगी। वर्ष के आपके लिए अधिकांश भाग के दौरान मेष और वृत्त में आपकी राशि जो परिवर्तन होंगे तो मिथुन में आएंगे। अनुसार दुर्भाग्य व्यवस्थित जो भी दशम के दिन होंगे भाव में रहेंगे। द्वितीय भाव का कारण जो होगा वित्त संबंध है, इसलिए बृहस्पति आपकी वित्तीय स्थितियों में संबंधित संक्रात्मक परिपम देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है लगभग पूरे दिन। लेकिन बृहस्पति मई के दिन में आप अगले दिन में प्रगति करने जा रही है, जिससे आपको मान सम्मान व प्रतिष्ठा दिलाने में काफी मददगार होंगे। देवों के देव महादेव जी जो होंगे आपके राशि में विराजमान रहकर आपको काफी सारी खुशियां प्रदान करेंगे, जिससे आपके लिए मान सम्मान प्रतिष्ठा और आघात करते हुए आपकी राशि में जो विराजमान रहेंगे आपको काफी सारी सराहनाएं मिलेंगी, काफी सारी बुद्धियों मिलेंगी, जिसे वो बुद्धि आप समझ गए तो आपके लिए लाभकारी साबित होंगे। आज के दिन दो उपाय है जिसे कर आप सारा दिन को अच्छा से व्यतीत कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आपके जीवन में नहीं आएंगी। प्रेम विवाह व्यक्तिगत में अच्छे रहेंगे। आप किसी भी प्रकार की कोई भी समस्याओं से निजात पा सकेंगे और अपने गुरु या गुरुतुल्य व्यक्ति से विशेष आशीर्वाद लें, जिससे आपके लिए बेहतर होंगे। और एक उपाय है जिसे कर बेहतर हो सकेंगे। हनुमान जी को सरसों के तेल में घुला सिंदूर चढ़ाएं, जिससे आपके लिए बेहतर होंगे। आज का शुभ अंक 9 रहने वाला है। शुभ रंग लाल मैरून होगी। बुरी दिशा पूर्व होगी। मित्रों, आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अवश्य से अवश्य लाइक कर लें। जो अभी तक हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और जो भी देवों के देव महादेव के भक्त हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो मित्रों, धन्यवाद।